ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं हमारे करियर सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं फार्मेसी के फील्ड में बने नए करियर ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए हम और आप भी जानते हैं इन करियर विकल्पों के बारे में। रिसेशन और मंदी की मार के बावजूद आज भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो दिनों दिन ग्रोथ कर रहे हैं। एक ऐसा ही सेक्टर है हेल्थ केयर और फार्मेसी, जहां केंद्र सरकार की भावी योजनाओं के तहत 15 से 20% की ग्रोथ रेट से इंडस्ट्री के आगे बढ़ने के साथ ही साल 2015 तक 2 लाख फार्मा ग्रेजुएट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में अब फार्मेसी के डिफरेंट फील्ड्स में बने हुए इन अवसरों को देखते हुए बड़ी संख्या में लड़कियां भी फार्मेसी से जुड़े इन कोर्सेज को ऑप्ट कर रही हैं। फार्मेसी का स्कोप आजकल बहुत बढ़ रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने देखा था कि हर तरफ फार्मेसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जॉब की फैसिलिटीज़ हम लोग को प्रोवाइड होती हैं। फार्मेसी कॉलेज में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं और एडमिशन के लिए इस साल भी 50% से ज़्यादा लड़कियों ने आने की कोशिश की फार्मेसी में, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि फार्मेसी में उनका भविष्य सिक्योर्ड है। जितना भी रिसेशन आ जाए, फार्मेसी इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी और इसका स्कोप बहुत वाइड है। हम इसको इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में, एकेडमिक्स, और वैसे भी लड़कियों के लिए एकेडमिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत ईजी वे में हम उसको हैंडल कर सकते हैं। फार्मेसी से जुड़े इन कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए आपका 50% मार्क्स के साथ 10+2 पास होना जरूरी है, जिसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ये कोर्सेज करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स, रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल तथा ड्रग एजेंसीज में प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के अच्छे विकल्प पा सकते हैं। फार्मेसी बी फॉर्म में एडमिशन के लिए 10+2 साइंस विद बायोलॉजी कंपलसरी है। इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स से ज़्यादा लेना होता है। इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है इंडिया के अंदर। क्लिनिकल ट्रायल्स में बच्चे जा सकते हैं बी फार्म करने के बाद। आपका DRA हो गया, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, और इंडस्ट्री के अंदर जो है जहाँ पे कि दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, इन सब जगह बच्चे जा सकते हैं। IPR क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं हम। BPharm करने के बाद MPharm करेंगे और अगर उसके बाद PhD करते हैं तो हमें और अच्छी जॉब मिल सकती है। ड्रग इंडस्ट्री में तो वैकेंसी ज़्यादा ही हैं, रिसर्च डेवलपमेंट डिवीजन में, प्लानिंग डिवीजन में, क्वालिटी कंट्रोल में, एवरीवेयर जहाँ जहाँ पर भी ड्रग सिंथेसिस होती है या ड्रग की प्लानिंग होती है वहाँ वहाँ पर स्कोप है। फार्मा इंडस्ट्री के ग्रोथ और प्रोफेशनल्स की बढ़ती डिमांड के मद्देनजर अब इन क्षेत्रों में शिक्षा प्रोवाइड कराने वाले संस्थान भी पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के संपूर्ण विकास पर खासा ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए रेगुलर क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब्स, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी और हॉस्टल जैसी सुविधाएं कैंपस में ही मुहैया करवाई जाती हैं। हम लोग को हाफ टाइम प्रैक्टिकल्स पे देते हैं और हाफ टाइम थ्योरीज पे देते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल भी नेसेसरी है और थ्योरी भी नेसेसरी है। जैसे भी कभी भी हमको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम लोग का कंप्यूटर लैब प्रोवाइडेड है। हम लोग की जो लैब है वो वेल इंस्ट्रूमेंट और नए इंस्ट्रूमेंट से वेल इक्विप्ड है। बच्चों को तो हम उनके जो सिलेबस के जो कोर्स में है उसको तो हम उस नॉलेज को इम्पार्ट करते करते हैं, प्लस उनको जो लेटेस्ट आजकल जो GD है, पर्सनालिटी मेकिंग है, ये सब चीज़ मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ, इम्पार्ट करता हूँ, और वो भी मतलब उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको फॉलोअप भी कर रहे हैं वो लोग। जानकारों का मानना है कि लड़कियाँ अपनी खास क्वालिटीज के चलते फार्मेसी के फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। साथ ही कोर्सेज के दौरान कैंपस प्लेसमेंट के जरिए इन युवाओं को मिलता है आगे बढ़ने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी। लड़कियाँ जो है इस कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं, क्योंकि इधर कुछ सालों में लड़कियों का रुझान फार्मेसी की फील्ड में ज़्यादा बढ़ा है। इन कंपेरिजन टू बॉयज, दे आर मोर सिंसियर देन बॉयज। इसका कारण ये है कि फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कोर्स है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, और आजकल बच्चियाँ, जितनी भी लड़कियाँ हैं, आजकल अपने फ्यूचर को सिक्योर करके चलना चाह रही हैं। वो ये सोच रही हैं कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए और अच्छी जॉब करूँ मैं। हम लोग टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, और मार्केटिंग है, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है, और IPR सेक्टर है, और इसमें हम बी फार्म करने के बाद एम फार्म कर सकते हैं, जिसमें
वी कैन ऑल्सो ज्वाइन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। फिलहाल अगर फार्मेसी से जुड़े इन क्षेत्रों में आपका भी रुझान है तो अपने बिजनेस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और रिसर्च जैसी अपार संभावनाएं रखने वाले इस फील्ड को ऑप्ट करके आप भी फार्मेसी में पा सकते हैं एक बेहतर करियर।